वो प्लेयर्स जो कि इस टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पे बैठ के बाबर आजम की दुर्गत बना रहे हैं एक तरफ आप फिटनेस की बात करते थे आप कहते हैं बेस्ट पावर हिटर जो है वो आज़म खान है उसने तो नहीं कहा था मुझे सेलेक्ट करो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला कैसे इस फिटनेस के साथ अभी तो हमें पाकिस्तान का क्रिकेट का कैप्टन आइडेंटिफाई होने में मुश्किल हो रही है बाबर आजम एक गलत कप्तान बनाया गया था वो भी पोलिटिकल नावो इस पर किसका क्या था कि आपने सिर्फराज को हटाना था और हालांकि वो मोस्ट सक्सेसफुल टी ट्वेंटी कैप्टन था अब बाबर रिमूव हो गया और शहीन कप्तान बन गया सेकेंड गलती पहले आपने गलती की सिर्फ को हटा के क्या वो कप्तानी के लिए था क्या शहीन का किया हुआ था कि उसकी रिहेबिलिटेशन पर पूरी हुई है उसकी अपनी परफॉर्मेंस कितना इम्पेक्ट हुई है अभी जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर है क्या आपने मोहम्मद आमिर को और अमाद वसीम को टीम में वापस इसलिए लेके आए थे as Alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro-Pakistani. Uh, our guest needs no introduction, Dr. Noman Niaz. you so yeah, It's a pleasure, balki shukriya aapka, that you have invited me. How does it work? I don't know, but uh, how does Pakistan cricket work? I'm trying to figure out. <laughs> 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 or have talked a nail on the head because that's what we're trying to figure out. And I... पाकिस्तान क्रिकेट से ही शुरू करते हैं एक्चुअली <coughs> पाकिस्तान क्रिकेट से पहले वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं सो वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है ग्रेट फाइनल आई डोंट नो व्हाट यू थॉट ऑफ इट लेकिन इट वाज इफ यू आर न्यूट्रल एंड यूर नॉट हेटिंग ऑन इंडिया तो फाइनल तो बहुत मज़ेदार था और उसमें मैं देख रहा हूँ भुमरा को बॉलिंग कराते हुए और क्लासन को चक्के मारते हुए और शायद मैं एज अ लीम मैन आप इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ स्पेशलिस्ट को बुला के पूछते हैं कि हम इस, बहुत सारी बातें होंगी अबाउट पॉलिटिक्स एन इशूज इन एंड एवरीथिंग बट जस्ट क्वालिटी राइट हमारे पास वो बैट्समैन है जो क्लासिन की तरह चक्के हैं हमारे पास वो आज की डेट में बॉलर है जो वो कर सकता है जो भुमरा कर सकता है आई डोंट नो मतलब इज इट अ क्वालिटी इशू इज वॉल ओके बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा सो नंबर वन प्रॉबली मेरी डिबेट हो रही थी राशिद लतीफ से ही थाट के जो इंडिया पाकिस्तान के टू थाउजेंड सेवन का वर्ल्ड कप फाइनल था टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप देट वॉज द बेस्ट बट आई कॉन्ट्रोडिक्ट आई पर्सनली फील कि ये जो फाइनल हुआ है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बबेडास में दैट वाज द बेस्ट क्वालिटी वाइज कम्पेटेटिव एज एंड हाउ इंडिया एक्चुअली केम बैक फ्रॉम बिहाइंड ये तो एक चीज़ हो गई दूसरा ये है कि उन्हें लाइटर नोट मेरा ख्याल है आई को ना ये चीटिंग की है इंडिया ने आप पूछें कैसे hmm. वो चीटिंग ये की है कि यद साउथ अफ्रीका खेल रहा था एलेवन ह्यूमंस के साथ hmm. और इंडिया खेलता है टेन ह्यूम और एक रोबोट के साथ वो जसप्रित बमरा ही इज़ जस्ट एक्सेप्शनल ही इज अमेजिंग तो एक तो ये प्लेयर ऑफ जनरेशन होते हैं दे कम इन वाइल्ड इन अनेरेशन हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है वसीम अक्रम वाइक वो यू से कि वसीम अक्रम के बाद ये मैं अपने दोस्तों से mm -hmm. उसमें डिस्कशन कर रहा था कि अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वसीम अक्रम के बाद सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इंडिया बंग्लादेश फास्ट बॉलर जिस भी दूंगा से बेहतर ओके okay. आपने एक बड़ी अच्छी जजमेंट है लेट मी एड जज हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ कि एस एफ बॉन्स बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड इन द लेट एटीन फास्ट बोलर सेकेंड पे वेलकम मैं उस पर hmm. आने लगा hmm. तीसरे पे ऑल टाइम वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ उसमें वसीम hmm. अक्रम को कहते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बोलर कुछ it. कहते थे एलन नो बट आई पर्सनली फील जो आपने बात की है जसप्रीत बुमराह की नॉट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट ये वो लेवल आ गया है कि अभी तो इसका करियर है बट आई कैन से दैट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर टू ऑडे इन द इंटरनेशनल फील्ड ही इज़ मैकेनिकल इज़ अमेजिंग ही इज़ ए बायो मैकेनिकल फिनिना एक्शन वियड सा है कंट्रोल ऐसे है जैसे आप कहना, यार 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 yeah. ना यार ये एक ले देना यार ये वो वाला hmm. चक्कर है सो hmm. so, ये वही जनरेशनल क्रिकेटर है एंड आई थिंक इंडिया विल बी एन ऑर्फन वंस सी रिटायर्स Hmm. इस तरह की रिप्लेसमेंट्स नहीं आती ठीक hmm. है एक हमने बहुत बड़ा टैलेंट ज़ाया किया उसको भी नहीं पता था वो भी एक्सेप्शनल था दैट दर्द मोहम्मद आसफ़ बट hmm. अगेन अगर मैं उसका पूरा कलेक्टिवली एक क्रिकेटर को देखूँ तो जसप्रीत बुमराह पैशनेट है बट एग्ज्यूबरेंट नहीं है जेस्टिकुलेशन uh, देखें जेस्टर्स देखें कॉम्पैक्ट है स्माइली hmm. uh, है uh, वो उसका वो नहीं है राउडी फास्ट बॉलर स्टेयरिंग क्लियरिंग ही इज़ मोर इन ए मोल्ड ऑफ रिचर्ड हार्डली जिसना रिचर्ड हेडली स्काई था ना कि आउट हैं आउट करें लेकिन जेंटलमैनली सो so, यस yes, एक तो ये है अब आपने क्वालिटी की बात की यार लेट मी बी वेरी मतलब ब्रेजेंट भी होंगे और वेरी एक्सप्रेसट कि मॉडर्न क्रिकेट की एवोल्यूशन हुई है आपको थोड़ा समय लेके जाता हूँ अदर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान डोमिनेट करता था और इंडिया इन फील्ड हॉकी वैन इट वॉज प्लेड ऑन ग्रास इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रोट्रफ का जो कॉन्सेप्ट है इसको पेशी करने का और मॉडर्नाइज करने का वो पाकिस्तान ने दिया अच्छा लेकिन लेट अलोन पाकिस्तान में शायद टूटी हुई चार थी अब तो ब्लू ट्रफ दो हैं शायद चार ऑस्ट्रो ट्रफ हैं और एक टाइम आया नदरलैंड में पाँच सौ थी और नदरलैंड शायद पंजाब तो दूर की बात है, है। आधे एक गुजर खान तक ख़त्म हो जाए ठीक है सो so, हमने थाट ले लिया लेकिन हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं की वाई क्योंकि हम प्लान नहीं करते और प्लान क्यों नहीं करते क्योंकि हम नेपोटिज्म करते हैं मेडोक्रेटी जितनी परवेल करेगी उतना मैं सिक्योर हूँ फिर ये जो पैराशूटर्स आते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं आते तो क्रिकेट जब इंडिविजुअल uh, फ्लेयर और फ्लेये बॉयस पर खेली जाती थी तो पाकिस्तान आपको याद है वो जॉन्ट माइटी वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान ही हराया करता था क्यों क्योंकि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती थी अब ये मैकेनिकल है एनालिटिकल है इसमें रियल टाइम डेटा है एनालिटिक्स हैं मैचअप्स हैं इसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है इसमें बायो मकैनिक्स इन्वॉल्व है के निजिजी है, है फिर इसमें स्ट्रेटजी टैक्टिक्स इम्प्लीमेंटेशन है सिचुएशनल चेंजेस हैं तो ये कहाँ से आती हैं ये सिस्टम आपको डेवलप करने पड़ते हैं तो पाकिस्तान ने शिफ्ट नहीं किया इंडिया 2007 थाउजेंड सेवन दबॉकल लूजिंग टू बांग्लादेश वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद जब इंडियन प्रीमियर लीग आई तो उन्होंने सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ब्रांड नहीं बनाया बट जो उसकी रेवेन्यू बेस थी उसको यूटिलाइज किया टू मैक्सिमाइज और स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फिर उन्होंने फॉरनर्स ले वो आए मतलब इंडिया में भी आपने देखा कि जॉन राइट था गैरी करस्टन था डनटन फ्लैक्चर था okay. ग्रेक चैपल था लेकिन वो जब आए तो उन्होंने सिर्फ कोचिंग इंडियन टीम तक महदूद नहीं की उन्होंने अपना इंडिजनस स्टॉक डेवलप किया ठीक hmm. है इसी तरह फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे वो वेजिटेरियंस वाला कॉन्सेप्ट और वो एम आर एफ एकेडमी डेनिसली को बुलाया उन्होंने नाइनटीन एटी फाइव तो उनकी फास्ट साइटेडनेस थी कि उनको पता था कि क्रिकेट एवॉल्व होगी hmm. अब बहुत कम लोग ये देख पा रहे हैं कि नॉट ओनली कि, कि क्रिकेट एवाल्व हुई है जो एक ठीक है कि वन डायमेंशनल है बेस और इंग्लैंड का डिफिकल्टी होती है उनको टेस्ट मैच क्रिकेट में या ऑस्ट्रेलिया इन्विसेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द स्पोर्टिंग कल्चर इन द कंट्री उनका तो मल्टा स्पोर्ट्स नेशनल या एलेक्स कैरी जो है वो फुटी हुई है कभी इंटरनेशनल है सो वो तो था लेकिन अभी अगर आप गौर करो तो टी ट्वेंटी भी इवॉल्व हो गया और वो मज़ीद इवॉल्व होता जा रहा है फ्राम अ नॉन सीरियस अ स्पोर्ट फॉर द क्रिकेट पैशनेट फॉर ब्रांडिंग एंड फॉर द ब्रॉडकास्टर अब इट has इट हैज़ बीन टेकन सीरियसली by द रिस्पेक्टिव boards. Hmm. अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता था इंडिया 2007 में जाना ही नहीं चाह रहा था जब एम एस धोनी कप्तान गया है ना सो उसके बाद अगर देखो कि अभी आई पी एल रिसेंट आपने देखी हो कि जब उन्होंने देखा कि पावर हिटिंग हैज़ बिकम अ साइंस अच्छा इसमें एक और है विच यू विल अंडरस्टैंड अब क्रिकेट में इसकी इंडिविजअल स्किल में मल्टा स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन आ गई अब जैसे आपने ये जो है ऑनड्रे क्लासन उसके पास डिफेंस भी है लेकिन ऑनड्रे क्लासन के अगर आप गेम देखोगे तो बेसबॉल हिटिंग हिटेंगे बिल्कुल अच्छा लेकिन हिटिंग हिटेंगे इसी तरह अगर आप लैम लिविंगस्टन देखोगे इंग्लैंड का तो उसमें एक गोल्फर स्विंग है ठीक है फिर आप ग्लेन मैक्सवेल जो है देखोगे तो वो जो स्विच हिट्स एंड रिवर्स सो so ये चीज़ें जो डेवलप हुई हैं दिस मीन्स कि द गेम इज़ एवॉलविंग अब ये आप और मैं इस एज में तो डेवलप नहीं कर सकते बाबर आजम तो डेवलप नहीं कर सकता ठीक है पहले शायद वो होता था, था कि बैट डीप पावर प्ले में आप कंसोलिडेट करें मिडल ऑर्डर आपकी तगड़ी हो सेवन टू सिक्सटीन ओवर्स में एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स आते थे और आप उसको कंसोलिडेट करेंगे और फिर लास्ट में आप हिटिंग करेंगे अब इट हैज़ चेंज्ड राइट सो आपने सिस्टम नहीं बनाया तो हाउ कैन अ रन विद अ फरारी तो ये तो फिर एक हाइपर बोल हो गई ना कि हम ये सोच रहे हैं हम अमेरिका से हार गए mm. मैं तो उस तरफ भी नहीं जाता डिस इंटीग्रेशन कब होती है कैपिचुलेशन कब होती है जब इनसिक्योरिटीज़ आती हैं ठीक है या पावर एक्सेंचुएट कर रहा होता है या बोर्ड कर रहा होता है या प्लेस कर रहे होते हैं तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेवर है ना बट हमारी जो एक कर्स बन गया दैट इज़ डीपर दैन दैट बिल्कुल अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्राइमरी पास हैं तो आप कैसे जाके कम्पीट करेंगे विद अ पोस्ट डॉक्टरेट बिल्कुल इस, मैं अगर इसी पॉइंट पे मैं डिस्कस जो करना चाह रहा था मुझे लगता है कभी कबार ना बहुत ओवर सिंप्लीफाइड पाकिस्तानी अवाम के इंक्लूडिंग मी का एनालिसिस होता है वो शाहिंद बाबर की नहीं बनी अब रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या की फोर मंथ्स बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड एक पूरी नैरेटिव चल रहा था अच्छा फिर दूसरा नैरेटिव चल रहा था कि रोहित शर्मा एंड कोहली शुड नो ओपन जिस तरह बाबर एंड रिजवान शुड नो ओपन पैरल सिमिलर थे रिजल्ट आपके सामने फ़र्क है एंड यस माना के यू नो कॉम्ब्राइडरी के इशूज़ चल रहे हैं माना के और इशूज़ हैं लेकिन क्वालिटी के भी तो exactly एग्जैक्टली मैंने तो आपको एविडेंस के साथ बता दिया ना हाँ। कि आप तो स्किल सेट में ही पीछे रह गए हो बिल्कुल अच्छा स्किल नहीं होगा तो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो माइंड सेट नहीं होगा अच्छा बाय द वेज ये मैंने भी सुना अगेन ओवर सिंप्लीफाई करते हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो अपना था इसमें गुजरात टाइटन से आया था और एज कप्तान आता है अब मैं थोड़ा सा और आपको एक मजे का रेफरेंस देता हूँ सी एस के चन्नई सुपर किंग देव ए मैन टॉर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन इन द सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में महेंद्र सिंह धोनी तो उसका नेचुरल इन्टर कौन बनता था जब वो ख़त्म हो रहा था रविंद्रा जडेजा उन्होंने कप्तान किसको बनाया रूथराज गैकवर्ड ठीक अब रोहित शर्मा इज़ एन आइकॉन इन इंडियन क्रिकेट पांच वो मुंबई इंडियंस के लिए टूर्नामेंट जीत चुका था डोंट यू थिंक ये इनका प्लान था राधा दैन हम जो समझ रहे हैं कि इम्पोज़ किया गया था कि फ़्रेंचाइजी ने उठाया और हार्दिक पांड्या को क्योंकि फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया का तो उन्होंने उसको आई में प्रीमियर टूर्नामेंट में कप्तानी दी वो पिट गया बुरी तरह ठीक हो अच्छा एक चीज़ ये होगी क्या आपने इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आप नंबर ऑफ सिक्स देखें पावर प्ले में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 थाउजेंड ट्वेंटी एंड पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने जो पिचेस बनाई थी पहले हाफ में इंडियन प्रीमियर लीग के जहाँ पे अभिषेक शर्मा टक करके बार मार रहा है अच्छा रोहित शर्मा निकल के नहीं मारता पावर केरन पोल की तरह नहीं मारता बड़ा रिस्ती एंड फ्यास्ती सो so, वो जो दो सौ ढाई हो रहे थे प्रॉब्बली दैट वॉज एक्चुअली अ प्लान कि हम क्रिकेट क्योंकि इवॉल्व हो रही है तो ये जो पावर हिटिंग है मल्टा डिमेंशनल पावर हिटिंग हमारे तो वो हम पावर हीटर वो समझते हैं जो एक आ, एक तरफ मार रहे होते हैं एक आउट में या लॉन्ग रन पर सो प्रॉब्ली ये उनका टेस्ट एंड ट्रायल था बॉलर्स की लग गई दुर्गत सेकेंड हाफ़ में आप देखो तो कंपेटिटिव हो गई पिचेस भी और वो एंड नाव आपने बात की रोहित शर्मा और विराट कोहली डेढ़ साल से वो इंडिया के लिए टी ट्वेंटी नेशनल्स नहीं खेले हुए थे एंड इंडियन सेलेक्टर्स दे हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन तो फिर विराट कोहली आता है आई पी एल में और ओपन करता है आर सी बी से द डे ही ओपन मैं और राशिद व शो कि ईज़ गोइंग टू बी द ओपन इंडिया इन द वर्ल्ड कप वाई अगेन फास्ट साइटेड बिहेवियर उनके पास एक और टीम तैयार हो चुकी है जो अभी जंबावेश जा रही है वो आपकी टीम को गिरा दें आराम से ठीक हो गया उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोहित विराट रविंद्रा चले गए नो प्रॉब्लम्स व्हाई बिकॉज दे हैव प्लान इट एंड दे हैव द रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड यू कॉन्ट और विराट बट येस दे कैन कम इन फिट इन द स्मॉलर शूज एंड देन ग्रो बेकर लेकिन कमाल ये था कि उन्होंने कंडीशन को एनालाइज़ किया कि यूएस की अनप्रडिक्टेबल थी आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था पिच पता नहीं ड्रॉप इन ने क्या होगा स्लो होगी तेज़ होगी अन एवेन होगी जो हमें पता लग गया कि तबाही थी उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में ब्रेक होगा वहाँ पे टेस्ट मैच कैलेबर का बैट्समैन जो है जो कि पेशेंस भी होगी जो कि चलेगा हमने ट्रांजिशन करते हुए देखा विराट कोहली को शायद उसने अपना उसका सेल्फ चैलेंज था कि ही स्टार्ट ही मूव्ड अवे ही शिफ्ट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द स्टाइल ऑफ़ हिज प्ले अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें वो बॉल के पीछे भाग रहा था दैट इज़ नॉट विराट कोहली प्रॉबेबली यहाँ तो रोल दिया गया था कि चलानी है और द मोमेंट ही रियलाइज के नो नाउ इंडिया डिपेंड्स ऑन यू वो अपनी गेम पे आ गया उसने बॉल को आने दिया एंड ही एंकर्ड दैट ठीक उसके अगेंस्ट पे वो उसके अगेंस्ट रैली राउंड करते रहे थर्टी फोर थ्री हुआ हो और जिसमें सूर्य कुमार भी ना हो और जिसमें रोहित भी ना हो रिशाद पंत ना हो तो किधर खड़े हैं फिर शिवन दुबे कहीं फिक्स होता नज़र नहीं आता था रिंकू सिंह को कैसे आप छोड़ सकते थे hmm. उन्होंने अगेन वो अपने जो उनके गैप्स सबको नजर आते थे जो ये ट्रिप कर जाते थे फाइनल्स में या नॉकआउट्स में टू थाउजेंड नाइनटीन में नंबर चार नहीं मिला टू ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड कप जो है ये पिट गए सो प्रोबली दे वॉन्टेड अक्षर पटेल को भी उन्होंने बैटिंग की वजह से खिलाया चाहल को नहीं खिलाया यू एस में इन्होंने कुलदीप को नहीं खिलाया सिराज खेल रहा था सिराज बाहर हो गया वो बारह बंदों से जीत गए और जो उनके बेंच में बैठा हुआ था यशवी जयसवाल था ठीक है वो बाहर बैठा हुआ था uh, 168 का स्ट्राइक रेट है ऑल थ्रू आउट इस कैरियर दैट इज संजू सैमसन बाहर राइट यशवी चौहाल हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स एक सौ शायद बाहर लेकिन शिवन दुबे अंदर hmm. हमें लगता था यार ये क्या है hmm. लेकिन राहुल ड्राइवर को पता था ये क्या है अजीत अगरकर को पता था ये क्या है सो so, उसने डिलीवर करना शुरू कर दिया जब नॉकआउट्स पे आए तो उसने पहले पैची थोड़ी सी छोटी छोटी कैम्यूज़ खेली फाइनल में इट वाज एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स अक्षर पटेल जो अप्रेंटिस गया था रविंद्र जडेजा का उसने डोमिनेट कर दिया वो प्रॉबेबली जो मार्च का कैश ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दैट चेंजेड अराउंड और फिर वो डंडे किए उसके hmm. उसने कुलदीप नेगलैन मैक्सवेल के hmm. वहाँ से आप इंडिया पीछे था अगेन जसप्रीत बुमराह के एम एंड टुक दम हुए उसके बाद आप आज सेमाफाइनल uh, में किसने डिलीवर किया रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसने डिलीवर किया रोहित ने फाइनल में किसने डिलीवर किया विराट ने तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड इन ल्यू ऑफ द कंडीशंस बिल्कुल इन द वेस्ट इंडीज अब जरूरत नहीं है दे आर तैयार तेर रेडी अगर मैं सॉर्ट sort ऑफ of वो वापस लेके आऊँ क्रिकेट लेकिन उससे पहले अपने भी एक्सपीरियंस की बात की विरात ऑबियस दर्ल्ड कप ये रिटायर्ड रोहित डू वी एट दिस डेज जहाँ हम हैं जहाँ पाकिस्तान हैं डू टर्न ट्ड्स यूथ कम्प्लीटली एक यूथफुल स्कॉड खिलाएँ एक यूथफुल कैप्टन रखें या डू यू टर्न टूवर्ड्स एक्सपीरियंस जिस तरह हमने भी अगर मैं पैरल ड्रा करूँ वी वेंट बैक टू आमिर वी वेंट बैक टू एमाद के यू नो वेस्ट इंडीज़ में उनका एक्सपीरियंस है ओबियसली आजम आज़म भी उधर अच्छा खेला हुआ था बट वी वॉन्ट वी वॉन्ट इट सम एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर जो एमाद ने देना था और आमिर विद द बॉल फॉर वॉट एवर रीजन वो नहीं चला अब जहाँ पर हम हैं अगर चैम्पियंस ट्रॉफी इधर होनी है पाकिस्तान में डू यू टर्न टू वर्ड्स एक्सपीरियंस डू यू टर्न टू वर्ड्स यूथ ओके एक तो आपका जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं वो भी इलेवेंट हो गए hmm. अब मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि प्रॉब्बली फॉर मी बाबर आजम मैंने आपको मैं फ्रैंकली बताता हूँ मैंने हनीफ मोहम्मद को लाइव क्रिकेट खेलते नहीं देखा hmm. मैंने फजल महमूद को नहीं देखा hmm. बाकी मैंने सेवेंटीज़ के बाद सारे देखे ठीक hmm. है सो so मैं ये कह सकता हूँ कि बाबर आजम का जो स्टार्ट था ही इज़ ए जनरेशनल बैट्समैन इज़ ए अमेजिंग बैट्समैन ही इज़ ऑल्सो फास्ट गेटिंग इ टू टी क्रिकेट ठीक हो गया Agreed. अच्छा क्या आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो रेलिवेंट है क्या आपने मोहम्मद आमिर को और अमाद वसीम को टीम में वापस इसलिए लेके आए थे यू वॉन्टेड टू बैंक ऑन दस ना देट वॉज बैक एंडेड पॉलिटिक्स दैट वॉज पावर शेयर ठीक है दैट वॉज एन एब नॉक्शस आइडिया वो प्लेयर्स जो कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पर बैठ के, के बाबर आजम की दुर्गत बना रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे कल्चर में जो हमारे जिस तरह की एवोलूशन होती है कि वो आएंगे टीम में और बाबर आजम के साथ वो बड़ा बेहतरीन ठीक खेलेंगे वॉजमाद वसीम फिट कट क्यों नहीं लग रहा था अक्षर पटेल को घुटना क्या ठीक था ठीक है बैटिंग कितनी आपने कराई थी आपकी क्या प्लानिंग थी एक तरफ आप फिटनेस की बात करते थे आप कहते हैं बेस्ट पावर हीटर जो है वो आज़म खान है उसकी तरह आपके विद इन द टीम इवन कप्तान बॉडी शेमिंग कर रहा था ठीक है उसने तो नहीं कहा था मुझे सेलेक्ट करो आई एम नॉट जस्टिफाइंग वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला कैसे इस फिटनेस के साथ hmm. जितना मर्जी अच्छा वो हिटर है इसका मतलब आपके पास और कोई हिटर नहीं है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ से स्टार्ट हो रहे हैं अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ से स्टार्ट हो रहे हैं आप उसको ले गए हैं तो पहले ही मैच में अगर वो जीरो पे आउट भी हो गया था तो वो जो सुपर ओवर था उसमें इफ्तार ओपन करता था या आज़म ओपन करता था hmm. एक एग्जैम्बल था लेकिन जिस मकसद के लिए लेके गए हैं तो फिर उसको अपॉर्चुनिटी तो दो ना यार मौका तो दो अच्छा कितने स्ट्रैटेजिकली सैवी थे आप और क्या आपके एनालिसिस हो रहे थे तो और कौन आपका एनालिस्ट था कौन डाटा एनालिटिक्स देख रहा था कि वो गेन कर रहा है लेफ्ट आर्म फास्ट बोलर और फ़खर जमान जो है वो एक इस साइड पर खड़ा रह गया वायट ही टेक द स्ट्राइक फर्स्ट बिल्कुल इनको नहीं पता था वो लड़का जो है सोराब नटवाल कर क्या वो गेन करेगा यू नो सो ये तो क्लियरली और चीज़ें हो गई ना तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है वाई हैज़ेंट अबरार अहमद प्लेट फॉर पाकिस्तान टी ट्वेंटी क्यों नहीं खिलाया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खिलाया कौन सी दुनिया की टीम में होता है कि यू टेक बोलिंग ऑल राउंडर शदाब खान mm -hmm. जब उसे बोलिंग नहीं होती यू प्ले हिम एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन वो टेक सलमान अली आगा कंडीशन के वाली बात करूँ शायद वो हर टी ट्वेंटी टीम में नहीं आता बट कंडीशन को देखते हुए वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए यू एस को देखते हुए आपको एक ग्राफ्टर चाहिए था जो बोलिंग भी कर लेता mm -hmm. छः बोल इंडिया का बैलेंस कहाँ से आया ठीक है दे कुड अफोर्ड द लग्जरी ऑफ ड्रॉपिंग सिराज दे कुड प्ले थ्री स्पिनर्स वाई बिकॉज अक्षर कुड बैट रविंद्र जडेजा कुड बैट ठीक है उसके बाद हार्दिक पांडे एज ए कम्प्लीट ऑलराउंडर बिल्कुल हालांकि वो वीकर लिंक था बॉलिंग में तभी उसको बीसवा ओवर करवाया mm -hmm. उस वक्त अदरवाइज mm -hmm. वो अठारवा और उन्नीस ओवर इम्पॉर्टेंट अर्षदीप ने और उन्होंने मैच जिताया सो आई so थिंक हमारे दो प्रॉब्लम हैं एक तो रेजिस्टेंस टू चेंज है और वो इसलिए कि मैं एज ए बॉस क्योंकि पैराशूट से आता हूँ और फिर मैं डिपेंडेंट हो जाता हूँ जो मुझे क्रिकेटिंग बेरोक्रेसी मिलती है मेरे अराउंड फिर मैं क्योंकि क्रिकेटिंग क्रिकेट सवी नहीं हूँ मुझे मॉडर्नाइजेशन का नहीं पता क्रिकेट की मुझे क्रिकेट के ग्रास रूट से ले कर प्लेयर पाथवेज मुझे नहीं पता तो मुझे जो बताया जाता है मैं उस पर डिसीजन बेस करना शुरू करता हूँ देन कॉपी पेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इंडिया की केस स्टडी ले लो चाहे ऑस्ट्रेलिया की शैल शील्ड की ले लो या शैफलशील्ड की एट द एंड ऑफ द डे बंदे सिस्टम को चलाते हैं और फिर जब बंदे सिस्टम को चलाते हैं सिस्टम कंसोलिडेट होते हैं तो फिर आप ऑटोमेशन पे चले जाते हैं ठीक है हम लोगों ने अगेन अब मुझे ये बताओ कि वो बंदा जो कि इन्हीं लड़कों के साथ खेला हुआ पहले चेयरमैन और सिलेक्टर बन जाता है फिर वो उसके बाद जो है वो सीनियर मैनेजर की क्या जरूरत थी मंसूर राना को अप्रेंटिस मंसूर राना को क्या कोई गोद में खेलने वाले बच्चे थे मैनेजर आदमी उसके पास मैनेजर क्यों गया आपका एनालिस्ट कौन था चेक कीजिएगा एनालिस्ट कौन गया था क्या उनका अच्छा। तो आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन डेटा डिफरेंस बिटवीन स्टैट्स एंड देर इज डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन है ना अच्छा अभी आपने बात की थी अब तो ये टी ट्वेंटी क्रिकेट सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ जा रही है hmm. कि वी, वी नो दैट वी हैव डेविड मिलर हु कैन प्ले एट फोर आई शुड हैव फाइव ऑन क्लासन छठा मुझे म, मेरा एक मिसिंग लिंक है माको यानसन होगा तो वो नया बॉल आगे करता है कुट लगती है क्या करूँ ये इस तरह गेम हो रही है ठीक है पॉलिटिक्स की आपने बात की मुझे थोड़ा सा या हमें एक लीमेंट समझाएं अभी जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर है मिसाल के तौर पे दिस बिकॉज एक जमाने में दर वोज अ वो जो साया कोर्ट वाली बात हो रही थी बाबर आजम की कैप्टनसी के साथ आई बिलीव कोई बैटिंग वेबसाइट्स थी है, कुछ उस उस, उस लेन देन में कोई बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम रिजवान वो वाली कैप में कुछ मसले मिसाइल थे दैट्स वॉट वी हर्ड इज़ दैट वेर पॉलिटिक्स शुरू क्यों हुई क्योंकि okay. आज से एक दो साल पहले नहीं थी बता देते हैं आपको hmm. बिल्कुल सही कहा आपने एक दो साल पहले नहीं थी hmm. यही लड़के थे यही स्किल सेट था hmm. आप सेमीफाइनल भी खेले टी ट्वेंटी काफ फाइनल भी खेले और आपकी क्या उसमें स्ट्रेंथ थी कि आप वेल well बॉन्डेड थे वेल well इंटीग्रेटेड थे अमाद को साइड पे क्यों किया गया था माथ तो डिजर्व करता था टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टी ट्वेंटी टीम फैंटास्टिक प्लेयर क्यों दूर किया गया था बिकॉज ड्रेसिंग रूम में वो फिट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड अच्छा अब वो चाहे राइट था या रॉन्ग डिसीजन था बट ये ऐसे थे अब होता क्या है कि फॉर द फर्स्ट हमारे यहाँ ना एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं सीनियर हूँ ना और मैं देखूंगा कि यार यू आर इवॉल्विंग एज ए होस्ट तो बजाय कि मैं खुश हूँ कि यार आई आई शुड बिकम अ बैनियन ट्री और आई शुड सी यू एलिवेटेड मैं कहता हूँ नहीं यार ये मेरे से hmm. आगे ना निकल जाए ठीक hmm. है अब प्रॉब्लम क्या हुई अगर आपको याद हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री आई प्लेयर ऑफ़ द मंथ आई प्लेयर ऑफ़ द ईयर आई टीम कौन थे तीन आ रहे थे शाहीं, बाबर शाहीन एंड रिजवान अब ये बड़े हो गए अच्छा अब क्रिकेट बोर्ड इन पर डिपेंडेंट था अच्छा मैंटेलिटी इनकी भी ये थी कि उस वक़्त तक तो इनको इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी लेकिन अगर आप देखते जाओ तीन साल आपने लेट किया साउथ शकील को इसका क्या मतलब है शान मसूद को आपने क्यों नहीं आने दिया था पार्ट ऑफ द टीम क्या वजह थी इसका मतलब रिलेटिव इनसिक्योरिटीज़ थी well. नो मैं बताने लगा इब्रार अगर खेल जाता तो शदाब के दर खड़ा होता विद हिज बोलिंग तो इसका मतलब है कि हमने कंफर्ट जोन का कून बनाया हुआ था कि जो मेरे हुए हैं अब हुआ क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये देखना शुरू किया कि यार ये तो प्लेयर पावर बहुत स्ट्रांग हो गई दूसरा हमारे यहाँ एक और इशू है कि हम कि इंटरलिंक हो जाती हैं हर चीज़ें आपकी फ़्रेंच का इन्फ्लुंस इतना बढ़ गया कि वो क्रिकेटिंग ब्यूरोसी को तो उन्होंने करप्ट किया ही हुआ था फेमस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऑफ पीसीबी वो टीम में भी उन्होंने अपनी इम्पैक्ट शुरू कर दिए उनके इंटरेस्ट क्या थे मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन पीसीबी इंक्लूडेड कहाँ से कर रहा था दैट वाज कमिंग थ्रू सरोगेशन ये जो बैटिंग वेबसाइट पर कंपनी बेटिंग बैटिंग इज इलीगल इन पाकिस्तान अब होता ये है कि हम बर्दाश्त तो कर रहे थे लेकिन टीम हमारी इंटीग्रेटेड थी वेल मतलब बॉन्ड बहुत आला था किसी को कोई इंसिक्योरिटी नहीं थी सारे जल थे बाबर आजम एक गलत कप्तान बनाया गया था वो भी पोलिटिकल नावो इस नहीं किसका क्या था कि आपने सिर्फराज को हटाना था और हालाँकि वो मोस्ट सक्सेसफुल टी ट्वेंटी कैप्टन था मैं टी ट्वेंटी की बात करी उसको आपने हटा के बाबर आजम का ना कोई रिज्यूम था ना पर्सनैलिटी थी ना इंटर कम्यूनिकेबिलिटी थी ना इम्पैक्ट था येस अ ग्रेट जनरेशनल बैट्समैन बिल्कुल आपने उसको कप्तान बना दिया क्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स जब बना दिया ठीक है कि ये स्ट्रेंथ थी कि ये इकट्ठे थे लड़के सारे इकट्ठे चल रहे थे अब होता क्या है कि मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान डिनाउंस करता है कि मैंने सरोगेट वाली कंपनी का लोगों नहीं पहनना अब जो स्टेक होल्डर्स थे जो बेनिफिशरीज थे चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स थे चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की ब्योक्रेसी थी चाहे वो फ्रेंचाइज के लोग थे अब उनको थोड़ा सा तो इशू आएगा ना फिर क्या होता है एक एंट्री होती है साया कॉप की जो कि कानीगी मेलन का पड़ा हुआ है एंड ही इज़ डूंग बिजनेस एज डज अदर कोई ऐसी बात नहीं जिसको हमने एक बड़ा अजूबा बना दिया है hmm. क्योंकि बेरोक्रेसी उसके अगेंस्ट हो गई थी क्रिकेट की वो क्योंकि इंटेलिजेंट था उसने इनको फाइनेशियल सिक्योरिटी प्लान भी दिए उसने मैकेजी का एक लड़का रखा हुआ है जो इनके इन्वेस्टमेंट hmm. प्लान्स देता है ये उसे अट्रैक्ट हो गए वो इनको गाइड करता था कि यार तुम लोगों को तुम लोगों को तेल किया जाता है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं दस परसेंट टैक्स तुम्हारा इधर काट लेते हैं सोर्स पे और तुम्हें वो इन्फ्लेटेड नंबर लगता है कि सैलरी मिल रही है जब तुम जाते हो तो एफ तुम्हारे पीछे पड़ जाता है तुम्हें जो पूरा टैक्स देते हो तुम्हारा वो नंबर इतना हो जाता है फिर इन्होंने वो जो आपके एन उसके कुछ छः सात मिलियन डॉलर आए हुए थे वो पी ने इनको हवा नहीं लगाई सो दे गॉड टू नो के यार हमारी वजह से एन आ रहे हैं ना तो हमें भी दोनों जो आई ने भेजा था अब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ दो चीज़ें हो बाबर अजम को जो है एक कंपनी जो है यही सरोगेट वो ऑफर करती टू हंड्रेड मिलियन रुपीज़ या पच्चीस hmm. करोड़ वो रिफ्यूज़ कर देता hmm. ठीक है अब उसने वो नहीं लगाना बाबर ने वो रिफ्यूज़ कर दिया देवर द सुपर स्टार देवर हर्ड इन द कॉल्डन ऑफ पावर दे हिट द राइट प्लेस और वहाँ से सरोगेशन बैन हो जाती है जब पाकिस्तान में सर्वेशन बैन होती है तो वो जो आपका एक साइकिल बना हुआ था एक दो तीन बिलियन रुपए का जिससे जिसके सारे बेनिफिशरीज और स्टेक होल्डर्स वो फारिग हो जाते हैं ठीक है। हो गया जब वो फ़ारिग हो जाती हैं तो मेरा पर्सनल फंडाटा पर हो गया अब आता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मैं तभी आपको सहायक आपका कहा कि वो भाई इनको गाइड करता है कि भाई ना साइन करना ये क्या बात हुई कि तुम इतने एडवर्टाइजमेंट्स करोगे पहले को वो अश्योरेंस दें कि वो सरोगेट के नहीं होंगे किसके मैं करूँगा ठीक है मुझे कितनी परसेंटेज मिलेगी मैंने कितने एड अपने करने हैं कितने मैं तुम्हारे लिए करूँगा कितनी मैं लीग्स खेलूँगा कौन सी मैं लीग छोड़ूंगा तो उसकी कंपनसेशन कैसे मतलब प्रैक्टिकल जिसना होते हैं फाइनेंशियल मॉडल वो फाइनेंशियल मॉडल पी को पसंद नहीं आ रहा था और इस दौरान एशिया कप निकल गया और अब एशिया कप में हम वीक होना शुरू हुए और वो हम क्यों वीक होना शुरू हुए वेरी मैनी पीपल फोगेट कि एक डिलिपरेट अटैम्प्ट हुई थी कि आपने शादाब खान को कप्तान बना दिया रजवान को और बाबर आजम को रेस्ट करके और वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन यू कप्तानी की तो अब तो फिर छः सात कप्तान और तैयार हो गए ना आप समझ रहे हो आपने फ्रेगमेंटेशन शुरू कर दी फिर एक फ़्रेंचाइज़ ने शहीन अफरीदी दो जीता हुआ था पी उसको इन्होंने उसको किया एंडोस करना शुरू किया उसको बैक किया उसके बाद ये हालत थी कि जब आपकी टीम वर्ल्ड कप में गई है तो बोर्ड के ऑफिशल्स बाबर आजम से बात नहीं करते थे शाह अफरीदी से करते थे hmm. बाईपास कर रहे थे देवर एट लॉगर हैड्स बाबर आजम ने कोशिश की थी चेयरमैन को कांटेक्ट करने की ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड जो कि बाद में जब वो कैटक में केम आउट ऑफ द बैग राशिद ने ब्रेक की थे लतीफ ने तो फिर दे हैड हाँ टू गो टू अ चैनल और फिर वो hmm. सलमान नसीर की वो एक अजीब सी टेक्स्ट आया था कि पाँच एक पर बाबर उसको मैसेज कर रहा है पाँच दो पर सलमान कर रहा है पाँच तीन पर वो भी साफ लग रहा था कि कनकॉक्टेड था अब ये हालत हो गई फिर आप आगे टू वर्ड्स द एलिमिनेटर के साउथ अफ्रीका का आपको ऑल इम्पॉर्टेंट मैच था गेंद साउथ अफ्रीका इन दैट आई सी वर्ल्ड कप ट्वेंटी थ्री उससे पहले बजाय कि आप टीम को बैकअप करें आपने एक स्टेटमेंट क्या थी वो तो टोटल तो यार मैं समझता हूँ चार्जशीट थी <laughs> कि तुम बाबर साहब आओ ना निकखने आयासी यू डोंट डू दैट इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट वो हो गया अच्छा अब बाबर रिमूव हो गया और शहीन कप्तान बन गया सेकेंड गलती पहले आपने गलती की इस फ़िलाज़ को हटा के क्या वो कप्तानी के लिए था क्या शहीन का मैंने अहसास किया हुआ था कि उसकी रिहेबलीटेशन पर पूरी हुई है उसकी अपनी परफॉर्मेंस कितना इम्पेक्ट हुई है क्या ये वही शहीन शाहफ्रीदी विद फिल्म एंगल लेग्स एंड हाइपर फ्लैक्शन क्या ये परफॉर्म इतना रेगुलरली खेल पाएगा क्या ये अपनी टॉप टीयर उस पर hmm. लेवल पे एग्जीक्यूट करेगा तो हमने ये सोचा नहीं क्या ये टेक्टिकली स्ट्रेटिकली एक चीज़ होती है लीडरशिप मैन मैनेजमेंट फिर एक टेक्टिकल पार्ट होता है एक स्ट्रैटिजिक पार्ट होता है hmm. स, और फिर आपको हमेशा कप्तान वही सक्सेसफुल होता है तब तब तबूमा क्या तैयबा बबूमा नहीं सक्सेसफुल हुआ ठीक है ना सक्सेसफुल एडिन मार्क्रम ही हुआ क्योंकि यह साफ ड्यू प्लस ही था ए भी डेवेलेस था उसका रीज़न ये है कि जब आप परफॉर्मर होंगे तो फिर ही लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे ना रोहित शर्मा में क्या था सेल्फलेस एग्जीक्यूशन ठीक सो अब आपकी तबाही शुरू होगी फिर आपकी टीम बिल्कुल डिस इंटीग्रेट हो गई हो गई ना स्किल सेट था अच्छा फिर वो प्लेयर जाकर भी हफीज़ आ रहा है डायरेक्टर बन रहा है फिर वो टीम के साथ जा रहा है वहाब रियाज उधर स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है एडवाइजर है इधर आके चीफ सेलेक्टर है फिर वो इधर सेलेक्टर है फिर वो इधर सीनियर मैनेजर है सो वो जो क्वान्टिफाइबल चीज़ तो आपको नजर आ रही थी लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करें तो सीटें भरनी तो नहीं होती hmm. सीटें सीट पे कौन बैठता है इज एट द एंड ऑफ द डे वोट मैटर्स गैरिकर्सन आता है आई कर रहे हैं आप उसको हायर कर लेते हैं उसके बाद एडवर्टिजमेंट पहले पहले जाता है बाद में जाता है हायरिंग पहले आई होती है फिर आप बड़ा अपना जो है

लेकिन आप एक शिप आपको नजर आ रही है जिससे देखिए लेट से रोहित इस सीनेरियो में जहाँ आपको राइटिंग ऑन द बॉल थी इस वर्ल्ड कप से तो पहले सबको इतना बुरा शायद नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सुपर एट्स मतलब हम खेलेंगे ही नहीं बेसिकली वर्ल्ड कप लेकिन, yeah. लेकिन I mean, आप, आप थी, क्यों नहीं कर रहे थे जब आपके पांच ओपनर्स जाए hmm. हो, होना पावर हिटर आपके पास होना स्पिनर आपके पास होना तीन विकेट कीपर हों एक फोर्स्ट सिलेक्शन हो क्योंकि उसने पी में बहुत परफॉर्म कर दिया था हालांकि वो एक्सपोज हो गया था अगेंस्ट सेकंड स्ट्रिंग न्यूजीलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट और पी में बहुत फ़र्क है बहुत और आप उसको आपने उसको पहले आप इंग्लैंड आइलैंड ले गए फिर आप वर्ल्ड कप में ले गए जिसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी एक्सपेंस एट द एक्सपेंस ऑफ आपने ऐड किया उसको सलमान आदा की ठीक हो गया अच्छा एक तरफ आप कहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे हम उन्हें पिक करेंगे तो उसामा मीर जो है वो हाइस्ट विकेट टेकर था चाहे अच्छा है या नहीं है लिनो आपने लिनो तो, लिनो तो, लिनो तो कहा था कि टॉप परफॉर्मर्स लेंगे और पी एस एल आपने बेंच मार्क बनाया क्यों बनाया इसका मतलब है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है या ट्रस्ट नहीं है उसके बाद वो जो डेजी का क्या नाम है मोहम्मद अली

एक तो उसमें ये ना कि कोच सो so, बड़ी डिबेट है इसमें कि कोच अब गैरी कर्स्टन इज़ अ गुड कोच आई एम श्योर उसने बहुत कुछ इम्प्लीमेंट uh, कर भी सकता है लेकिन यहाँ पे इशू ये होता है सिक्योरिटी सेफ्टी रहता है नहीं कोच हमारे साथ प्लेयर्स uh, होता क्या है कि वो ना डोमेस्टिक देख रहा होता है वो ना इन्वॉल्व होता है सेटअप के साथ और जब हम कहीं टूर पर जाते हैं तो वो हम हमारे साथ आ जाता है क्या आपका ख्याल ये है हमने वैसे अनफॉर्चुनेटली हर किस्म की चीज़ ट्राई कर दी है एक कोच में भी और पी सी बी चेयरमैन जिसपे मैं आता हूँ लेकिन कोच से शुरू करते हैं कोच क्या एक लोकल क्रिकेटर होना चाहिए ना पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर होना चाहिए व्हाट व्हाट अगर एक अच्छा कोच कोच है तो अ गुड आर वी लुकिंग फॉर ओके ये भी हम बड़ा खुली डुली बात करते हैं कोच एक इस नई क्रिकेट की डायमेंशन में एक इंटेग्रल पोजिशन है लाइक फुटबॉल like अब कोचिंग क्रिकेट में भी आ गई ये तो एक्सेप्ट कर लिया हमने फैक्ट अब दूसरी चीज़ ये आती है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि बीसीसीआई के पास पैसे थे लेकिन शायद विजन का फुकदान था एंड hmm. उनके फेमस फाइव hmm. जिनमें सौराव गंगोली हु टॉट देम हाउ टू विन आउटसाइड इंडिया बिल्कुल उसके बाद सचिन तेंडुलकर दो वी लक्ष्मण तीन hmm. राहुल ड्राइविड चार अनिल कुंबले पाँच एंड hmm. प्लस माइनस युवराज सिंह hmm. इन्होंने एडवाइजरी रोल लिया खुद hmm. इनिशिएटिव लिया और इन्होंने जाके बी -सी 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 को कन्विंस किया कि जी ये मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए ये इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए ये आप करेंगे तो हम ये करेंगे वहाँ पे सौराफ गंगुली जो है वो पहले अपना ओपनर स्लॉट छोड़ता है ठीक है टू अकोमोडेट यूथफुल बैट्समैन वो नंबर तीन छोड़ देता है कि एम एस धोनी को ऊपर खिलाऊंगा तो वो होगा तो वो एक एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर से निकल के लेगेसी के मोल्ड में और एज ए मैंटोरिंग रोल में चले जाता है मैंने ये क्यों बात की है उनके क्रिकेटर ज़रूरी नहीं कि डिग्री के हवाले से लिटरेट हों वो सिस्टम का एक प्रोडक्ट है नेशनलिज्म है उनमें और रिलेटिव इनसिक्योरिटीज़ नहीं है ठीक है अगर इनसिक्योरिटीज़ होती डू यू थिंक कि मैं रोहित शर्मा हूँ मैं ना डालता हार्दिक पांडे पर डाल तो सीखता ठीक है हुँ. ना तो और फिर मैं उसको अच्छा चले वो चले भी जाता यूज़ तो मैंने करना था ना ग्राउंड पर मैं उसको कैसे यूज़ करता तो और मैं और आगे से हार्दिक पांड्या पर शावश है कि जिस तरह उसने कैम्योज़ खेली और बैटिंग की है और यू नो जहाँ पे बॉलिंग की है ठीक तो हमारे यहाँ एक तो ऐसी मैंटालिटी अवेलेबल नहीं हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं क्या वो राहुल ड्राविड की तरह अंडर 19 से और फिर उसके बाद इंडिया ए और फिर पाकिस्तान अपना इंडिया की सीनियर टीम और फिर वो वीवीएस वी लक्ष्मण भी अप्लाई ना करे और राहुल ड्राविड भी अप्लाई ना करे कि हम सैचुरेट हो गए वी वी लक्ष्मण अकेडमी में है तो वो हमारी उनकी ठीक है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनके बेहतर फाइनेंशियल मॉडल्स हैं क्या हमारा ऐसा कोई सीनियर क्रिकेटर है फिर एक हम उस बहस में से और उस मैं कहूँगा कि कन्फ्यूजन में से कब निकलेंगे बिगेस्ट जो है आपका मोस्ट वैल्यूड ग्रेटेस्ट रॉलिंग सुपर स्टार जरूरी तो नहीं है अच्छा कोच हो hmm. हो सकता है आपका बेस्ट कोच मोहम्मद मसूर हो hmm. जो कि सिर्फ फर्स्ट hmm. क्लास क्रिकेट खेला बिल्कुल इवन अगर आप को देखें यू इमेजिन बी अ टी20 मतलब दैट वाजंट व्हाट ही वाज उसका स... लेकिन वो एक सिस्टम से आया ना hmm. तो इसी तरह एक तो हमारा ये प्रॉब्लम है दूसरा हमारा प्रॉब्लम है हमारी अपनी खुंदस समझते हैं आप एक वर्ड हमारे पर्सनल वनडाटा बहुत होते हैं पर्सनलाइज्ड इंटरेक्टिविटी बहुत होती है फिर हमारी ये जो मैंने तीसरी बात की थी कि मुंडा अगे ना निकल जाए रिलेटिव hmm. इनसिक्योरिटीज़ होती हैं तो उस वजह से शायद ये एक परसेप्शन बना दिया गया कि हमारे लोकल जो कोचेस हैं फिर कोचेस वो होने चाहिए जो कि लेवल वन टू थ्री फोर सैंपल साइज़ के साथ ग्रो किया हो ग्रास रूट से आया हो उसको सारे प्रॉब्लम्स पता हो लड़के उसको एज़ ए मैंट और लें शेपर वो फिर करें तो वो हमारे यहाँ एक मिसिंग है कि हम पैराशूट से आते हैं hmm. जितने बड़े हैं वो फिर पॉलिटिक्स हो जाती है अच्छा अब आपने सवाल किया था उसका मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा आप फॉरन कोचिज़ को बुला सकते हैं नॉट टू कोच द पाकिस्तान टीम और द जूनियर टीम्स और एट द एन सी ए ले कर आएँ उन्हें और वो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स करें और वो आपके लोकल कोचज़ को क्रिएट करें क्रिएट करें।, करें और वो स्टॉक जब आपका बनेगा सिस्टम के थ्रू अंडर थर्टीन्स अंडर सिक्सटीस अंडर नाइनटीन्स एवं पाकिस्तान ए फिर वह सीनियर टीम में ग्रेजुएट करके आएँ ताकि आप अगर कोच हो और आज आप अंडर थर्टीन्स के हो आपको पता है कि यार मेरे ये ये अगर बॉक्स टेक हो गए तो मैं अंडर सेवेंटीन का कोच हो जाऊँगा hmm. फिर ये ये बॉक्स टेक हो गए so, मैं अंडर नाइन मैं प्रोग्रेस करके मैं पहुँचूँगा hmm. इंडिया के अट्ठतीस एसोसिएशन हैं और मास वाई उनके कंपनी सेक्रेटरी वगैरह के बाकी जितने hmm. भी उनकी एलिवेशन होती हैं वो प्रमोशन से आते हैं फ्रॉम देयर एसोसिएशन वो प्रमोट होते हैं एंड देन कम टू द बीसीसीआई ग्रेजुएशन सिस्टम है ना आपका वो नहीं है ठीक है अच्छा फिर आप डी वैल्यू करते हो अपने अपने ही प्रोडक्ट को आप ही के चेयरमैन कह देते हैं कि जी ये बड़ी सियासत करते हैं एक्सेप्टेबल नहीं, नहीं होता फलाना नहीं होता हम फॉरनर्स फॉरनर्स किस मकसद के बुला रहे हो मेरी कम्युनिकेशन कैसे होगी क्या मैं आप टूँ क्या मैं कम्युनिकेट करूँगा क्या मैं एक्सप्रेस करूँगा काउंटर क्वेश्चन करूँगा सीखूंगा नहीं तो फिर तो वाट आई पर्सनली फील इज लोकल कोच इज़ गोइंग टू बी द रिजॉल्व

अच्छा अब आप इंडिया का एग्जाम्पल लो अभी मैंने आपके फॉरेन कोचेस उनके आपको गिना दिए थे hmm. अब आप देखो पहले भारत अरुण था फिर पारस मामरे आ गया उसकी जगह जब ड्राइविड आया शास्त्री hmm. के साथ भारत अरुण था बॉलिंग कोच फिर उनका फील्डिंग कोच चेंज हुआ बट विक्रम राठौर को राहुल ड्राइवर ने रिटेन कर लिया अब अगर आप गौर करो कि लोकल कोचेज आर बींग रिप्लेस बाई लोकल कोचेज ठीक hmm. है अच्छा अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि गो के इंडिया का स्ट्रिंजेंट एक वो है कि यहाँ आपने फ्रेंचाइजीज के साथ तीन साल कोचिंग की हो सिस्टम में या फर्स्ट क्लास सिस्टम में यहाँ आपने मैंटोरिंग की हो अब जो गौतम गंभीर है पोलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग विजडम में बहुत आगे है टोटली डाइवर्सिफाइड और टोटली थ्री हंड्रेन सिक्सटी डिग्री फ़र्क है टेम्परामेंट फ्राम राहुल ड्राइवेड इज़ एग्रेसिव इज एक्सप्रेसिड इज प्रेजेंट ठीक है और ही रिलेंटलेस होता है रुकता नहीं है बोलता है A of है, लेकिन क्रिकेटिंग विजडम में, ही हैज़ नेवर कोच्ड अ फ्रेंचाइज ये जब लखनऊ सुपर जॉइंट्स के साथ थे वो जब पहुँची थी नॉकआउट्स में दो दफा और के के आर को चैम्पियन बनाया एज ए मैंटॉक लेकिन उन्होंने अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं इन्हीं की सारी बातें मान रहे हैं सो प्रॉबली कि आप देखो कि वो सिंक हो रहा होगा उनके सिस्टम में तो वो ले आ रहे हैं ना तो हमें भी लोकल कोच ही हमारा आंसर है और जो कि तगड़ा हो और जो कि हम ये ना देखें मे बी मंजूर लाई इज़ नॉट अ ग्रेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ नॉट अ ग्रेट हैज नॉट बीन अ अरी फेमसर ही मे बी एन आउटस्टैंडिंग कोच इकबाल इमाम मे नॉट ए प्लेड फॉर पाकिस्तान बट ही मे बी एन आउटस्टैंडिंग कोच महत्म रशीद मे नॉट ए प्लेड फॉर पाकिस्तान बट मे बी ए ग्रेट फील्डिंग कोच तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी मशहूर का मैंने नाम लिया बच्चों का वो बेहतरीन उसको हम कहते ही हैं क्रिकेट का पेडीटन बच्चों को पिक कर फिर कप्तानी आपने कहाँ से करवानी शुरू करनी है ये हुँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है कप्तान आइडेंटिफाई आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करने पड़ेंगे अभी तो हमें पाकिस्तान का क्रिकेटर का कैप्टन आइडेंटिफाई होने में मुश्किल हो रही है <laughs> तो वो आखिर मुश्किल ही है वो चाए अच्छा एक और बात जो बहुत ज़्यादा हम सुनने को मिलती है जी चेयरमैन ऐसा होना चाहिए चेयरमैन ऐसा होना चाहिए मैनी एक्स क्रिकेटर्स आर बिलीव दे कैन बी चेयरमैन पी सी बी चेयरमैन लॉर्ड ऑफ पोलिटिकल इसमें अपॉइंटीज होती हैं लेकिन होना क्या चाहिए एक 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 आइडियल वर्ल्ड है बीसीसीआई के चेयरमैन क्या है मुझे ये बताओ कि रोजर बिनी इज एन एक्सेप्शन अ वर्ल्ड कप विनिंग इंटरनेशनल प्लेयर हु इज बीसीसीआईस प्रेसिडेंट जी ही केम थ्रू इलेक्शंस बेंगलुरु से वो उसके अलावा दुनिया में रॉब की चीफ एग्जीक्यूटिव है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हम और कौन है जो कि क्रिकेटर हेड कर रहा हो ठीक है व्हाई पहले तो आप ये डिटर्मिन करो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक ऑटोनस इदारा है सेमी ऑटोमस है कॉरपोरेट है सेमी hmm. कॉर्पोरेट है प्राइवेट है गवर्नमेंट बॉडी है क्या है ठीक hmm. उसके बाद ही आप एक बेस बनाओगे ना पैरामिड की hmm. और आपने रन कैसे करना है उसी के तरह के स्ट्रक्चर्स बनाओगे सेकेंडली हमारे क्रिकेटर्स विद डिफेंस टू नो वन विध मैले टू नन डू दे रियलाइज वर ग्रेट क्रिकेटर्स दे अंडरस्टैंड क्रिकेट येस दे हैव बीन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स अंडरस्टैंड द डेफिशेंसीज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट दिस इज ओनली वन पार्ट दैट इज ऑपरेशंस तो कैसे वो इंटीग्रेट करेंगे आजकल की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के साथ कैसे वो वैल्यू एड करेंगे इनटेल्ड क्या चीज़ें लेके आएंगे क्या प्रोजेक्ट्स होंगे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगी उसके बाद एडमिनि कॉरपोरेट डील्स कैसे होंगी फाइनेंशियल आउटले कैसे इंक्रीज होगा ठीक है एज ए गवर्निंग बॉडी मैं डिसेंट्रलाइज कैसे करूँगा ठीक है मैं तो अभी सेंट्रलाइज कंट्रोल रखा हुआ है मैं कैसे रेप्लिकेट करवाऊँगा सिस्टम्स इन रीजनस ताकि वहाँ पे भी एचआर एच इतनी एक्सपर्ट आए कि वो अपने पहले इनिशियली आप पार्शल उनको दें फंडिंग पार्शल वो जनरेट करें और एवेंचुअली उनको आपको इंडिपेंडेंट और डिसेंट्रलाइज़ करना पड़ेगा मैं कैसे सोचूंगा कि अगर ये मैं सियासत नहीं निकाल सकता और ग्रास रूट या रीजन्स लेवल पे सिटी टीम्स में करप्शन नहीं निकाल सकता तो मैं प्राइवेटाइजेशन का सोचूं ठीक है मैं अडेप्टशन का सोचूं कि अडोप्ट करें आपकी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो लोकल टीम्स को हुँ. या मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट कहीं पर भी नहीं होती दुनिया में हुँ. मैं उनको एज ए स्पॉन्सर ले कर या उनको एज ए ब्रांड वैल्यू एडिशन लेके कर आऊँ रीजन्स में वो रीजन को ओन कर लें तो ये डिसीजन सारे जो हैं नथिंग टू डू विद योर एक्सपर्टीज एज ए क्रिकेटर बिल्कुल हाँ क्रिकेटर चीफ सेलेक्टेड होना चाहिए बट उसके साथ एडिशनली अब आप एनालिटिक्स वाले लोग होने चाहिए बट वो एनालिटिक्स वाले जो प्रोफेशनल एनालिटिक्स वाले लोग हैं क्या आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि आपको ये पता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट तो आप बोल देते हैं जितना इंपॉर्टेंट आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और रेवेन्यू जनरेशन है थ्रू कारपोरेट सेलिंग उससे ज़्यादा इंटेग्रल हो गया आपका मेडिकल पैनल आप अभी तक डिप्लोमा होल्डर्स के हाथों में फंसे हुए हैं रिहेबिलिटेशन देखें तो जसप्रीत बुमराह और फिर एक मेरेकल रिटर्न जो होती है एक्सक्यूज रिशाभ पंत वो तो वी थॉट ही मे डाई वी थॉट एंटूटेट हो जाएगा और उसके बाद वो पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने आता और जीत के चले जाता है बेहतर विकेट कीपर हो जाता है बेहतर उसकी कलेक्शन हो जाती है पैरल मूवमेंट बेहतर हो जाती है सो वो कहाँ से आया क्योंकि उनके रोबस्ट मेडिकल पैनल्स हैं हमारे यहाँ रेजिस्टेंस होता है हम डिप्लोमा वालों पर रहते हैं क्लिफ़ डेकन ठीक है, है साउथ अफ्रीका है क्या उसके पीछे क्या है क्या कितना रेलिवेंट है hmm. उसने क्या सैम्पल साइज़ है किस आ, के साथ उसने काम किया हुआ है किस लेवल पर काम किया हुआ है किन एथलीट्स के साथ hmm. क्या हमने तबाही नहीं कर दी अपनी एहसानल्लह की हमने तबाही नहीं कर दी नसीम शाह की कि उसकी इंपिचमेंट इंग्लैंड की सीरीज़ में शुरू थी hmm. बाद में हम जस्टिफिकेशन देते रहे कि जी इम्पैक्ट इंजरी हो गई hmm. अफगानिस्तान के गेंद शहीन को बर्बाद नहीं हमने किया नदरलैंड ले गए क्लिप डेकर नहीं ले गया ना hmm. जब उसका वो प्रॉब्लम हुआ हुआ था सो हारिस रोह के साथ हमने क्या किया तो यहाँ पे कितने प्लेयर्स आप ज़ाया कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इन इन अपने अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें आपकी बॉडी वेयरिंग एंड टेयरिंग है उसमें बायो मैकेनिक्स होनी चाहिए आपकी बायो मैकेनिकल लैब आपने उठा के किसी यूनिवर्सिटी लम्बी में दे दी ठीक है।, hmm. है अच्छा फिर आपके अप्रोबेटर्स आ गए हैं बॉलिंग मशीन से आगे चीज़ें चली गई हैं बायो मैकेनिक्स बैटिंग में यूज़ होती है बैट लिफ्ट में यूज़ होती है बॉलिंग में यूज़ होती है मिक्स एक्शन में यूज़ होती है वो कौन करेगा मेडिकल पैनल जो होता है उसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होता है स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है रिहेबलीटेशन दो किस्म के होते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी इन आफ्टर इंजरी इंजरी प्रिवेंशन के मेकैनिज़म्स आपके क्या हैं ठीक है तो आपकी डाटा साइंस रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी आपके सिलेक्शन में एलॉग्रिदम्स कौन से यूज़ होंगे hmm. आपकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन कैसे होगी आपकी फ़िटनेस असमेंट कैसे होगी क्या आपने बेसिक एक्ोकार्डियोग्राम्स कराए हुए हैं क्या आपने मसल देखे हुए हैं कि आपको शायद ट्रेनिंग और चाहिए मुझे ट्रेनिंग और चाहिए ट्रेनर्स के लिए और चाहिए बॉडी टाइप शेप एक्शन मैकेनिक्स सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे सिस्टम डेवलपमेंट आप करेंगे तो फिर आपको चेयरमैन कौन सा चाहिए जो कि अच्छा सर मुझे, भी to cricket. कुण, कुण। अच्छा मुझे आप एक और बात ये बताएं कि मैं यू ट्राई अंडरस्टैंड और आ, मैं ज्यादा आपको टाइम लूंगा लास्ट आप समझ लें टॉपिक जो छेड़ना चाह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि आर वी बेटर और वी नॉट बेटर लेकिन मुझे लगता है वो जो गल्फ था ना बिटवीन से अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज लेस देन इट वाज़ नॉट लिट लेस इट्स नॉट लेस दैन इट वॉज अब मैं पोलाइटली कहने की कोशिश करूँगी शायद वो हमसे बेहतर है लेकिन मैं ये सवाल एक्चुअली मेरा ये है कि मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इज इट बिकॉज सम ऑफ दोज क्रिकेटर्स गेट टू प्ले आई पी एल ठीक है जब आप आई पी एल खेलते हैं तो आप एक इनॉर्मस प्रेशर के अंडर एक सोल्ड आउट क्राउड के अंदर एक बहुत मुश्किल एन्वायरमेंट में टेस्ट होते हैं हम जितना भी शुगर कोट कर लें येस इट्स माइट बी द सेकंड बिगेस्ट फ्रेंचाइज बट पी एस एल आई का कंपैरिजन नहीं बनता पी एस एल चौथे पाँचवें अच्छा आगे अब एक क्रिकेटर है जिसको कराची में आपको आपको इस दफ़ा तो बहुत क्लियर भी बात डिस्कशन हो रही थी कि ना क्राउड्स फॉर वेरियस रीज़न्स लेकिन क्राउड्स भी नहीं हैं विकेट्स भी वैसी नहीं है आपके पास इंटरनेशनल लेवल में प्लेयर भी वैसा नहीं आ रहा सो so आपके पास कॉम्पटिशन भी कम आ रही है तो मुझे तो कभी कबार ऐसे लगता है कि सर हम पी एस एल को देखते हैं एज द वे टू ब्रिंग आर क्रिकेटर्स फॉरवर्ड हम आई पी एल खेल नहीं सकते बट हैज नॉट प्लेंग आई पी एल बीन के पाकिस्तान इज इज एक तो आपकी इंटेंट नंबर वन दूसरा आपका बहुत बड़ा सोशल इंट्रोडक्शन बन गया था वर्ल्ड वाइड और ब्रांड बन गया था पाकिस्तान सुपर लीग आपने उसको हॉस्टेज बना दिया छ फ्रेंचाइज के हाथों में हुँ. और उसके बाद आपने उसको एक्सपेंड नहीं किया Hmm. फिर आपकी जो अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट इकोनमी है hmm. वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जो टॉप प्लेयर्स हैं जो वो डिमांड करते हैं hmm. फिर आपने वही अपना ड्राफ्ट सिस्टम रखा आप ऑप्शन में नहीं जा सकते hmm. आपकी कैप आप बढ़ा नहीं सकते अंडर द टेबल भी आप कितना देंगे hmm. तो आपका जब रोबस्ट और इन डिमांड सुपरस्टार नहीं आएगा तो क्राउड अट्रैक्ट नहीं होगा hmm. और वो एक uh, बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे रोल मॉडल वाला चक्कर नहीं आपको मिलेगा फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पैथेटिक हो चुका है कि बार बार मैचेस खेल वन के उन पिचेस पे कि वो इतनी वेरिएबल हो गई हैं कि वो जो आपके 120 के स्ट्राइक रेट वाले हैं वो 160 सौ साठवें चले जाते हैं इस पी एस एल में hmm. बॉलर्स आउट कर जाते हैं जब इंटरनेशनल की वेज और आपकी पी एस एल की वेज अब इतनी हो गई है पहले इतनी थी hmm. अच्छा था पहले तीन सीजन अब आपने ये जो बात की अफगानिस्तान की टू इट hmm. मेरा काउंटर आर्गमेंट है ठीक है यार राशिद खान नूर आई पी एल खेलते हैं भी आई पी एल खेल लेता फाइन तो फिर वो वनडे में कैसे इवॉल्व हो गए उनका तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है घर में तो वनडे में तो वो अगर मैक्सवेल उस दिन थोड़ा सा आगे पीछे हाँ, तो तो हो जाता तो खत्म हो गए थे वो सेमीफाइनल में पहुंच गए और जो इस जिस मॉडल जो मॉडल ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं जिस मेथड के साथ तो वो कैसे डेवलप हो गए आई ने तो नहीं फिफ्टी ओवर डिवेलप करा है। दो तीन चीज़ें एक तो यस इट प्लेज अ रोल दूसरा सेल्फलेस लेस मैंटोर मिल गया उनको हीरो मिल गया रोल मॉडल मिल गया राशिद खान hmm. अब वो क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो करवाता है जाके फ्रेंचाइज में hmm. मुख्तलिफ लीगस में बाकी प्लेयर्स के वो किट बैग्स उठा के ले आता है अपने स्पॉन्सर से दस दस बारह बारह और वो इनको दे देता दे है दो hmm. तो एक तो ये चीज़ है लीड फ्रॉम द फ्रंट जितनी लंबी फ्लाइट से आएगा और सीधा इनको जिम में खुद चले जाएगा सबसे पहले सारे दे फॉलो द सूट तीसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं एंड में कहूँगा अफगानिस्तान की जहाँ पे बात आती है तो उनकी आपने जेनेटिक प्र डिसन देखनी है उनकी आपने एनवायरमेंटल जिस इन्वायरमेंट से उनकी एवोल्यूशन को देखना है काउंटर रिएक्शन एटीट्यूड को देखना है उनके लिए क्रिकेट जो है वो एक टूल है इंट्रोडक्शन टू तो द वर्ल्ड जो उनकी आइडेंटिटी देता है उनको तो आप देख लें वो मैच जीतते हैं तो काबुल और वो हुँ. क्या हालात क्या होते हैं वहाँ पर तो दे आर बैकड अप बाई द पॉपुलेशन अच्छा क्योंकि वो उनका एक प्राइड है उनका कल्चर है तो दे वॉन्ट टू स्टैंड अप हामिद हसन तेईस ओवर कर गया था उसका अंगूठा पूरा वेड था hmm. और वो इनको जिता गया नहीं? तो ये चीज़ें हो गई तो एक तो उनका पैशन उनका इंथ्यूजियाजम उनका पेट्रियाटिज्म उनका नेशनलिज्म उनकी स्पिरिट नेवर टू से डाई एंड देन रियलाइजिंग ये जो आपने बात किया आई पी एल का एक्सपोजर आई एल टी ट्वेंटी का एक्सपोजर ऑस्ट्रेलिया में अपना बिग बैश का एक्सपोजर साउथ अफ्रीका लीग्स का एक्सपोजर टी हंड्रेड का एक्सपोजर यस दैट इज़ बेनिफिटिंग दैम अब उन्होंने अपना स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया वो बेशक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं फॉर अदर टीम्स टू गो दिया बट दे हैव देयर नाउ ओन फ्रेंचाइज बेस्ड लीग दे हैव देयर फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर दे आर ए टेस्ट नेशन सो दे आर ग्रोइंग और उनकी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है पहले वो चेंज टूटे हुए जहाजमे करते थे अब एन उनका स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया हाँ वो भी क्रिकेटर है एक्स क्रिकेटर है जो अशरफ हैं इनके हेड है जो हैं क्रिकेट बोर्ड के तो ये तो एक चीज़ है अब अगर आप मेरे से बड़ा बदतमीजाना अंदाज़ में मैं आपका जवाब दूँ तो एक तो प्लीज़ इस मिसकनसैप्शन से निकल जाए कंटेम्प्रेरी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की टीम अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स इस वक्त बी रेटेड टीम है बिल्कुल and do not say that you can even compete with एंड like nee, nee, nee. South Africa. I think they're all better than विद टीम्स लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ अफ्रीका एंड सेकेंड बेस्ट टीम इन एशिया इस वक्त इसमें कोई शक नहीं अच्छा तो सर <laughs> मैं आपसे एक आखिरी सवाल अंदर तो नहीं कराना नहीं मैं आपसे एक आखिरी सवाल है फिर मैं आपको जारी deta हूँ हमने सारे बाकी प्लेयर्स की बात कर ली ecosystem की बात करो अगर ये strong होता तो शायद ये इतना फैक्टर ना होता लेकिन एक आखिरी चीज दैट आई थिंक ड्यूज टू द डिक्लाइन ऑफ क्रिकेट इज़ पीपल लाइक फैंस ट्विटर मैं अगर आपको इसका मिसाल दूँ मैं उस दिन अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि यार होता क्या है एक प्लेयर बुरा खेलता है दूसरा प्लेयर हमें तीन महीने नजर नहीं आता जब नसीम इंजर्ड था तो नसीम हमारी ड्रीम था जब इमाद और आमिर टीम में नहीं होते तो मतलब ये जो आपके सारे शोज़ हैं हारना मना है दिस क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ प्रेशर

Hmm. उसका रीज़न क्या एक तो आपकी डी जनरेशन हुई है क्योंकि अभी तक हम कन्वर्ट नहीं कर सके कि जो एक शिफ्ट आया है फ्रॉम कन्वेंशनल जर्नलिज्म प्रॉपरली ट्रेंड जर्नलिस्ट सुपर स्पेशलाइज जर्नलिस्ट टू एनी बडी हु स्मार्टफोन एंड बिकम्स अ जर्नलिस्ट तो एक तो ये कन्वर्जन जो डिजिटलाइजेशन इज ए रियालिटी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इज ए रियालिटी ब्लॉक चेन इज ए रियालिटी लेकिन इसकी अडेप्टशन एक तरीके से होनी थी इसके लिए आपको एक लेवल ऑफ़ एजुकेशन चाहिए एक लेवल ऑफ ग्रूमिंग चाहिए दूसरा हम लोगों के प्लेयर्स ने भी इसको यूज़ किया है अपने ग्रुप्स बना के कि आप ट्विटर जायंट्स जो हैं वो ग्राउंड में जाते हैं तो फारह हो जाते हैं हमारे आइकॉन आजकल ट्विटर पे बन जाते हैं बिल्कुल फेसलेस क्रिटिक्स uh, के सामने बन जाते हैं और जब ग्राउंड में जाते हैं तो एक डिस्पैरिटी होती है ये किसकी वीकनेस है अभी आपने बात की कि इंडिया का भी वही बिहेवियर है अफगानिस्तान इनका अफगान इज़ डिफरेंट ये आपका बांग्लादेश का हमारा हमारे हिस्टारिकल रिस्पॉन्स होते हैं टू वन एंड टू ईच लॉस बिल्कुल तो जब आपके स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे और स्ट्रक्चर्ड किस्म के आपकी ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो वो इम्पनटल हो जाएंगी टू दिस अब होता क्या है कि आपने कंपेन शुरू कर दी चार दोस्तों के साथ मिलके कि यार शदाब खान को खिलाना है इबरार को नहीं खिलाना है बिल्कुल तो मेरा सिलेक्टर मान जाता है और यार मैं क्यों मानूं मेरे पास तो सारी डाटा बेस एनालिटिक्स हमारी इनसाइट एक्सपीरियंस उसमें लेकिन डर लगता है ना कि आवाम फिर उठेगी आ, फिर प्रॉब्लम एक और क्या है कि हम लोग ना शॉर्ट टर्म सोचते हैं हम इनसिक्योर होते हैं हम मेडिक्रेटी को प्रवेल कराते हैं ताकि हम चीते लगें उसमें अंधों में काना राजा हूँ तीसरी हमारी वर्स्ट चीज़ क्या हो गई भी है कि हम शॉर्ट टर्म वाओ फैक्टर पर बिलीव करते हैं जिसको मैं लेपो होती कहता हूँ कॉस्मेटिक अब आपके आई एम सॉरी अब आपका ये जो कैंसर है ये ग्रेड फोर हो गया और ये अब कर गया और आप बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए वर्ल्ड क्रिकेट के साथ पहले ये होता था कि दो प्लेयर सैक कर दिए कप्तान सैक कर दिया दो नए लड़के लेके आ गए और आपने एक अच्छी ग्राउंड बना दी एक टूर्नामेंट करा दिया तो वाह यार आई एम अ सक्सेसफुल चमन अब वो नहीं होगा आज आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेंगे थैंक गॉड के मोहसिन नकवीज हेयर फॉर थ्री इयर्स उस तरह इलेक्टेड आए हैं तीन साल का टनिव तो है ना तो क्यों क्योंकि आपकी कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रमीज राजा ने ये किया था तो मैं इसको उखाड़ पिछाड़ कर दूंगा और नहीं यार ठीक है जो अच्छी चीज़ है उसको कॉन्टी करोगे कॉन्टीन्यू करोगे तो वो कंसोलिडेट होगी कंसोलिडेट होगी तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगी तो ये अब आपको सिस्टम तीन एक साल लग जाएंगे अच्छा अब एक और प्रॉब्लम आएगा अगर आप तीन साल में हम इमेजिन कर लेते हैं हर चीज़ आइडियल आइडियल कर लेते हैं कि जी ये डिसाइड कर लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब दिस इज द ओनली वे अप द लेडर कि अब हमें लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा तो यार जो बाकी डेवलप्ड टीम्स इवॉल्व हो रही हैं वो तीन साल में कहाँ होंगी वो हमसे कितना आगे होंगे सो so, हमें अब इस चीज़ को मैच भी करना है बिल्कुल और हम अपनी आवाम हाँ। को ठंडा भी रखना है ना अब हाँ। चैम्पियंस ट्रॉफी में इधर चार सौ रन हमें हर हाँ। मैच में पढ़ रहे हों तो हम हाँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार जो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं एक अच्छा काम करने वाला इंडिविजुअल हूँ स्पोर्ट्स और मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मैं आपको आपके सिस्टम्स को कंसोलिडेट कर सकता हूँ आपकी बात कर रहा हूँ आपकी कंपनी में लेकिन आपका मेरा फड्डा है पर्सनल आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं बाहर हो जाऊंगा ठीक है अब वो टाइम आ गया है कि ईगो साइड अगर आप ईगो को साइड पे करें वर्क रिलेशन डेवलप करें पर्सनली आप करते रहे अब आप इनको सोचना पड़ेगा कट फॉर रोल लोग लेके आने पड़ेंगे बैकडोर एंट्रेंस की बारी खत्म होनी पड़ेगी और ये नहीं है कि मैं एक अपना वेजिटेबल hmm. बिजनेस कर रहा हूँ और अगले दिन मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ या ये नहीं है कि मैं समोसे बेच रहा हूँ hmm. और अगले दिन जो है मैं एक क्रिकेट ऑपरेशन चला रहा हूँ बिल्कुल ठीक है ना तो ये चीज़ें अब आपको देखनी पड़ेंगी एंड यू शुड नॉट शाई अवे फ्राम हिस्ट्री यू शुड लर्न फ्राम इट और अगर आपने आपको आप वनरेबल भी समझते हैं इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस टेक इट अप एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव नहीं इंशाल्लाह सर उम्मीद पे दुनिया कायम है बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बहुत टाइम दिया थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इफ यू एन्जॉय आवर कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट